जेंट मैजिकल चॉकलेट। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, उसका नाम शुभम था। वो अच्छा आदमी था, लेकिन वो थोड़ा मंद बुद्धि का था। उसका पिताजी रिक्शा चलाता था और उसकी मां धनवान के घरों में काम करती थी। शुभम एक बेकरी में काम करता था। उसका मालिक का नाम चमन था। वो बहुत धोखेबाज और लालची था। शुभम बेकरी को साफ करना, आइटम्स को पैक करके कस्टमर्स को देना, वैसे सब काम करता था। शुभम काम करने वाले बेकरी में बहुत तरीके के चॉकलेट्स, स्वीट्स और केक्स रहते थे। उनको देखकर शुभम के मुंह में पानी आता था। खराब हुए चीजों को मालिक डस्टबिन में फेंकने के लिए देता था, तो उनको डस्टबिन तक लेके जाकर वहां पर उनको खाता था। उसकी वजह से कभी कभी उसके पेट में दर्द होकर नींद भी नहीं आता था और बिस्तर पर इधर उधर पलटता रहता था। उस बेकरी में एक चॉकलेट फाउंटेन रहता था। बच्चे आकर वहां उस फाउंटेन में से चॉकलेट खरीदकर खाते थे, तो शुभम आज से देखता था। वो देखकर चमन उसके सर पर मारकर, अरे वो एड़ा कहीं का बैल जैसे बढ़ गए हो, छोटे बच्चों के जैसे तुम्हें ये चॉकलेट का क्या पागलपन है रे? अरे बाप रे, क्या कैसे देख रहे हो, जैसे रात का उल्लू की तरह, दरिंदर कहीं का, जाओ बाहर, कहकर मारता था। एक बार शुभम बेकरी के आंगन को साफ कर रहा था, वहां पर एक चॉकलेट नीचे गिरे हुए दिखाई दिया। वो उसने देखा चमन कहीं बाहर गया हुआ था, फिर उस चॉकलेट को लेकर, अरे कोई कस्टमर नीचे फेंक कर चला गया है, शायद इसका स्वाद कैसा होगा जानने का मुझे बहुत मन है, कहकर उसे ओपन करके खा रहा था। तभी वहां पर चमन आकर उसने देखा। तब चमन, क्या रे चोर कहीं के, चोरी करना भी शुरू कर लिया है क्या कमीने कहीं के, कितने दिन से हो रहा है ये, कहा। तब शुभम, मालिक मैंने चोरी नहीं किया है मालिक, इसे यहाँ किसी ने फेंक कर चला गया है, भगवान का कसम मुझे विश्वास कीजिए, कहने से भी बिना सुने चमन उसको पकड़कर बहुत मारने लगा। तब चमन, अरे अब से तुम्हारा कोई काम नहीं है यहाँ, जाओ यहाँ से, फिर दिखाई मत देना, अगर दिखाई दिए तो मेरे हाथों से मारे जाओगे, कहने के वजह से बेचारा शुभम दुखी होकर वहां से चला गया। जब वो रोते हुए जा रहा था, तभी एक पेड़ से दो भूत उसके सामने कूदे। उनको देखकर भी वो रोना बंद नहीं करके रोते ही रहा। वो देखकर भूत आश्चर्य हो गए। तब भूत, ए कौन हो तुम, हमें देखने से कोई भी डर जाता है, मगर तुम तो कुछ फिकर किए बिना ऐसा रो रहा है, पूछा। तब भूतनी, वैसे भी टीवी सीरियल देखकर औरतें रोते हैं जैसे, वो रोना क्या है रे, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? तब शुभम, मुझे रोना आ रहा है तो डर कैसे लगेगा, मेरा नौकरी चला गया, कल से कैसे जीना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कहकर उसके बारे में सब कुछ बताया। वो सुनकर दोनों भूत दुखी हुए। तब शुभम, आपका हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मार दीजिए, ऐसे बेकार का जिंदगी जीने से तो मर के आप जैसा भूत बनकर आपका असिस्टेंट जैसा रहना बेहतर है, भूत बन गया तो हर रोज बहुत सारे चॉकलेट्स फ्री में खा सकता हूँ, आप मुझे मारोगे या फिर मैं उस कुएं में कूद कर मेरा मौत खुद मर जाऊं, कहकर उस कुएं के तरफ जा रहा था। तब वो भूत, अरे 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 रुको तो जरा रुको, अरे बेटा रुको, हम तो ऐसे ही मजाक में डराने वाले भूत है, मगर मारने वाले भूत नहीं है। तब भूतनी, भूत बनने के बाद कुछ भी नहीं खा पाओगे रे बेटा, फिर चॉकलेट कैसे खाओगे, ठीक है तुमको हम एक वरदान देते हैं, तुम घर जाकर घर के सामने जो हम बोलते हैं वो मंत्र पढ़कर हाथ को घुमाओ, तुम्हारा ख्वाहिश पूरा होगा, कहकर उसके कान में कुछ मंत्र बोली। तब शुभम खुश होकर उनको प्रणाम करके वहां से चला गया। फिर घर आकर अपने माँ और पिता से जो भी हुआ वो सब बताया और हाथ घुमाया। तब वहां पर एक जेंट मैजिकल चॉकलेट प्रकट हुआ। फिर उसमें से एक तरफ से पैसे और दूसरे तरफ से चॉकलेट्स गिर रहे थे। तब शुभम चॉकलेट्स को पकड़कर खा रहा था।
और उसके माँ पिता पैसे ले रहे थे। उसके साथ साथ उन लोगों ने बड़ा कार और बंगला खरीदकर आराम से जीने लगे।